इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी घोषित होने के बाद चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी के ईटखोरी पहुंचने पर झारखंड सरकार में मंत्री सत्यानंद भोक्त और स्थानीय महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कृष्णानंद त्रिपाठी ने बीजेपी और एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा, बीजेपी हमेशा से गलत करती रही है। अनुभवहीन लोगों को मौका देकर सत्ता हासिल करने का काम बीजेपी का रहा है। उन्होंने कहा, बीजेपी जनता को बंधक समझती है। भाजपा तो हमेशा से गलत करती है, पहले भी अनुभवहीन लोगों को बैठा दिया और जिस कार्य के लिए जो व्यक्ति है वैसे लोगों को नहीं दिया, अभी भी वही करता है, सीधे उठा करके देश चलाने के लिए भेज देती है। जो पहले तो उनको कहना चाहिए कि सीखिए भाई, पहले किसी को विधानसभा लड़ाओ, पहले किसी को सरकार में राज्य में कुछ काम दो, किसी पद पर रह करके कोई अनुभव ले, इसके बाद कोई काम हो। अब भाजपा समझती है कि जनता मेरा बंधक है, हम कहीं से किसी को ला करके दे दें, कोई भी जीत जाएगा, चाहे बक्सर से ले आवें, चाहे गया से ले आवें, चाहे वो व्यक्ति अनुभव हो, उसकी योग्यता रखता हो या नहीं रखता हो, ये मुझे नहीं लगता कि भाजपा के जो लोग सोचते हैं वो इस क्षेत्र के लिए या देश के दूसरे क्षेत्रों के लिए सही तरीके से। वहीं झारखंड सरकार में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक ने कहा कि यहाँ आरा और छपरा से लाकर लोग राज करते थे, इसी का नतीजा है 10 साल तक बीजेपी अपने जुमलेबाजी से जनता को ठग रही थी। में पहले आरा छपरा से आकर के चतरा राज करते थे, अब पार्लियामेंट के अंदर कोई भी लड़ सकता है। यहाँ पर जैसे चतरा के हो गए इंडिया प्रत्याशी, मनिका के हमारे हो गए इंडिया प्रत्याशी, तो मनिका चतरा मतलब चतरा पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट मतलब हो गया आपको पाकी, मनिका, लातेहार, सिमरिया, 5 विधानसभा का है, तो आप चतरा खाली के हेडक्वार्टर के कोई नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग का जो लक्ष्य है पूरा होगा, और जो 10 बरस उन लोगों ने जनता के साथ झूठा भाषण, झूठा आश्वासन, झूठा राशन, जुमलेबाजी में रखा, काला धन आ रहा है, 2 करोड़ का नौकरी मिलेगा, महंगाई कम होगी, तो जनता सब तरस है। 10 बरस से लोग उब चुका है और जनता परिवर्तन एवं बदलाव के मूड में है। दूसरी ओर बीजेपी के चतरा लोकसभा प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने भी इंडिया अलायंस पर पलटवार करते हुए कहा, हम बहुत उत्साह से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे लिए चुनाव कोई चैलेंज नहीं है। गठबंधन ने टिकट दिया, कोई बेटा ही तैयार नहीं हुआ, सभी लोग बड़े हतोत्साह से, बड़े आनंद से, बड़े उत्साह से चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव कोई चैलेंज है ही नहीं, चतरा क्षेत्र का वो व्यक्ति है भी नहीं, चतरा लोकसभा क्षेत्र के बाहरी का। और अब तक इतिहास रहा है कि आई इंडिया के गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं कोई क्षेत्र को स्थानीयता को प्राथमिकता आज तक देश का दिया होता ना, अब तक तो नहीं दिया, कोई चैलेंज ही नहीं है, एकदम एक तरफा है। अरे कोई घर का बेटा को उन्होंने दिया ही नहीं, कोई तैयार ही नहीं हो रहा था मैं जब आ गया था, तो अब बाहरी उम्मीदवार के साथ क्या बात करना है उसमें लोगों को जो क्षेत्र के जानकारी नहीं है इनको। मैं यहाँ बड़ा हूँ, पला हूँ, जन्म लिया हूँ, यहाँ की मिट्टी में खेला हूँ, कई लोग कितने लोगों के गोद में खेला हूँ, किसी के साथ पढ़ा हूँ, घर का बेटा हूँ, बहुत आत्मल बढ़ाया जा रहा है, बड़े उत्साह देख रहे हैं, भीड़ में आपको दिखाई पड़ रही है। केएन त्रिपाठी ने कहा, मेरे जहन में देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, मैं वायु सेवा में भी गया था तो देश सेवा के लिए गया था, राजनीतिक जीवन में भी आया हूँ तो देश सेवा के लिए आया हूँ, हम देश के लिए प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं।